तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो पाजी के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए दोस्तों काफी बड़ी और एकदम झटपट अपडेट लेके आया हूं। ये अपडेट दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिली होगी, जो अपडेट मैं आप लोगों को देता हूं पाजी से रिलेटेड। इसीलिए तो कहता हूं भाई, पाजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ चाहिए और एकदम ऑथेंटिक चाहिए, इस चैनल पे आ जाओ, सब्सक्राइब करके रख लो, ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलेगी, कोई भी तोड़ नहीं सकता उस रिपोर्ट को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेकर्स के अलावा जो एक ऑनर होते हैं भाई, वो ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि एंड मौके पे आ गया अगर चेंज कर दे मामला तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बस ऊपर वाले का करम है, तो इस बात को मैं इधर रखता हूँ। अब बात करते हैं वन टू वन मूवी से रिलेटेड, जट मूवी से। देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों को मैं आए दिन मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट दे ही रहा हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को एक पिक दिखाई थी जिसमें यह था कि भाई शूटिंग का कुछ यहाँ पे एक पोस्ट किसी ने अपलोड की थी और वहाँ पे शूटिंग वगैरह चल रही थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट आई है, और तो और मूवी से रिलेटेड, मूवी के अंदर इतने बड़े बड़े दोस्तों एक्शन डायरेक्टर, यानी कि जो एक्शन को यहाँ पे खेलते हैं, एक्शन से खेलते हैं, जिनका बचपन ही एक्शन में निकला है और जिनको यहाँ पे जिंदगी बीत गई एक्शंस के अंदर, दोस्तों नन अदर देन उनका नाम है राम एंड लक्ष्मण। जी हाँ, मतलब राम एंड लक्ष्मण कोई मूवी जो आई थी वो नहीं है, इनके नाम है राम एंड लक्ष्मण, ये एक एक्शन डायरेक्टर हैं। और तो और मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ, पहली बार पाजी इन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि जिस वक्त में इनका एक्शन दोस्तों निकल के आता है ना राम एंड लक्ष्मण का, तो भाई काबिले तारीफ होता है, और इन्होंने कई अवार्ड यहाँ पे जीते हुए हैं अपने इस काम से, यानी कि अपने फाइट, यानी कि जिस लेवल की ये फाइट जानते हैं और जो काम जानते हैं उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छः अवार्ड जीते हुए हैं। और अब गोपी चंद जी ने इनको हायर किया है, एंड यहाँ पीपल फैक्ट्री एंड यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने इनको चट मूवी के लिए, SDGM के लिए, पाजी को स्टंट सिखाने के लिए रखा है। तो अब यहाँ पे ये देख लो, यानी कि पाजी एक तरीके से युवा एक्शन करते हुए दिखेंगे, जैसे कि भाई आप समझ लो अक्षय कुमार वाला जो एक्शन होता था वो टांग घुमा के मारना, यानी कि अब नया एक्शन देखने को मिलेगा। अभी तक हमने बॉलीवुड के एक्शन देखे थे पाजी में कि भाई उठा के पटक दे, लेकिन अभी यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे जैसे साउथ के एक्शन होते हैं, मतलब यहाँ पे टोटली वही चीज़, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे दूसरा एक्टर को देख के, जैसे कि पतला दुबला एक्टर है उसने लात मारी दूर जाके गिर गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ये हाउ इज पॉसिबल, लेकिन पाजी अगर ये काम करेंगे तो लगेगा हाँ भाई ये आदमी कर सकता होगा, ये है दमदार। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही चीज़ दोस्तों SDGM जेट में जो मेकर्स ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखी होगी। और भाई मैं कह रहा हूँ कि आप यह पिक भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से स्टार्टिंग हो रही है, अभी इनको बुलाया गया है और सारा सीन समझाया जा रहा है, गोपी चंद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक के बाद एक बहुत तगड़ी तगड़ी अपडेट आ रही है, और इसकी शूटिंग को दोस्तों इसी ईयर में ख़त्म करने की इनको दोस्तों जिम्मेदारी मिली है, यानी कि इसी ईयर में इसकी शूटिंग भी ख़त्म होगी। अब आप ये समझ के चलो, यानी कि जुलाई में इसकी शूटिंग शुरू हुई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे इस शूटिंग को रैप अप करना है, इसीलिए पाजी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अब आप ये समझ लो। तो फिलहाल यही तक की अपडेट थी, मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर